रहा गर्मी बोली है और धन लागरी भी ज्यादा है, पर नड्डा जी का आना हनुमानगढ़ में गर्मी दुगनी होगी इसी मैंने बात कांग्रेस यहां बताई है, तो दे जोरदार तालियां हो नड्डा जी को स्वागत कर सको। बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, श्री जेपी नड्डा जिंदाबाद, श्री अमित शाह जिंदाबाद। भारत ने पूरी दुनिया के सामने लंबी परंपरा से, सनातन परंपरा से इतिहास रचा है। दुनिया के इतिहास में ये अनूठा देश है और इस देश की, आधुनिक देश की कोई ताकत पूछे तो लोकतंत्र भारत की ताकत है। भारत के उस लोकतंत्र को ऊंचाइयां देना, भारत के इतिहास, परंपरा, संस्कृति, उसका सम्मान करना और जन जन के बीच में, उनके हृदय के बीच में स्थान बनाकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की उस अंत्योदय की उदात्त भावना के साथ काम करने वाली पार्टी आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। हम सबका सौभाग्य है इस देश की राजनीति को भारतीय जनता पार्टी ने ऊंचाइयां दी हैं और जब जब भी दुनिया का इतिहास लिखा जाएगा, देश का इतिहास लिखा जाएगा, नई पीढ़ी भी इस बात को स्वीकार करेगी कि देश के मान के लिए, सम्मान के लिए, लोकतंत्र के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपने खून से और पसीने से इस देश के लोकतंत्र को ऊंचाइयां दी हैं। हम सबका सौभाग्य है कि दुनिया के ऐसे सबसे बड़े राजनीतिक संगठन के मुखिया, पूरे देश के अध्यक्ष आज किसानों की इस धरती हनुमानगढ़ में किसानों का मान करने के लिए आए हैं। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि जोरदार तालियों के साथ आदरणीय नड्डा जी का आप स्वागत करें। मंच पर हमारे साथ विराजमान आदरणीय अरुण सिंह जी, प्रदेश के हमारे प्रभारी आदरणीय भारती बेन जी, भारतीय जनता पार्टी के लिए गौरव का क्षण है क्योंकि आदरणीय नड्डा जी उसको ठीक से बताएंगे, लेकिन हम जब काम करते हैं तो कार्यालय हमारे काम का बहुत बड़ा अहम हिस्सा होता है और अंग्रेजी की कहावत है कि जब कोई स्थान अच्छा होता है तो विचार भी अच्छे आते हैं, उन्नत आते हैं। एक सहूलियत के लिए, व्यवस्था के लिए कार्यालय का निर्माण हमारी परंपरा कर संगठन के काम का हिस्सा है और हम सबका सौभाग्य है। मैं खुद 1992 से राजनीति में हूं और हनुमानगढ़ बहुत बार आता हूं, लेकिन मैंने कभी कल्पना नहीं करी थी कि भारतीय जनता पार्टी को हनुमानगढ़ में इतना सुसज्जित कार्यालय मिलेगा। तो मित्रों, ये आप सबका सौभाग्य, मैं बधाई देता हूं आप सबको। और केवल हनुमानगढ़ नहीं, मुझे स्क्रीन पर हर जिले के प्रमुख कार्यकर्ता दिख रहे हैं, माननीय नड्डा जी अपने शब्दों से उनका सम्मान करेंगे, लेकिन 10 कार्यालयों का शुभारंभ और 4 का शिलान्यास, राजस्थान के 33 जिलों में, आधे से ज्यादा जिलों में पार्टी के कार्यालयों का निर्माण, ये राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी के संगठन की इतिहास विकास की परंपरा में एक अहम पड़ाव है। इन पूरे कार्यालय के निर्माण में हमारे माननीय संगठन मंत्री जी ने, वो शिल्पी तो नहीं है लेकिन उन्होंने पूरे तरीके से इन कार्यालय के निर्माण में जिस तरीके की प्रतिबद्धता से, समर्पण से रुचि दिखाई, ऐसे हमारे आदरणीय चंद्रशेखर जी जो प्रदेश के संगठन मंत्री आज हमारे बीच में विशेष रूप से विराजमान है, इस संभाग के हमारे भाई माधोराम जी जो प्रभारी हैं, और देखिए कितना सुखद संयोग है। मैं भाई बलबीर बिश्नोई को इस बात के लिए बधाई दूंगा, आदमी कोई अनुष्ठान करता, कोई तंत्र मंत्र करता, सुंदरकांड करता, सवामणि बोलता तो भी सौभाग्य नहीं मिलता, घर बैठे गंगा आ गई और भाई बलबीर को आदरणीय जिला, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने खुद ने बलबीर को नए कार्यालय की कुर्सी पर बैठाया है। एक छोटे कार्यकर्ता का मान इससे बड़ा क्या होगा।
बलबीर जी के सौभाग्य के लिए भी ताली बजा सकते हो आप लोग। एक साधारण कार्यकर्ता आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के हाथों इस तरीके से सम्मानित होता है। मित्रों कार्यकर्ताओं, यदि ये चरित्र कहीं दिखता तो भारतीय जनता पार्टी में दिखता, और इस चरित्र का निर्वहन कोई कर सकता है तो आदरणीय जेपी नड्डा जी जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कर सकते हैं। मंच पर हमारे बीच में लोकप्रिय सांसद निहाल जी, इस हनुमानगढ़ जिले के हमारे भीष्म पितामह, वैसे तो मैं यदि कहूंगा वयोवृद्ध कहूंगा तो डॉक्टर साहब नाराज हो जाएंगे, क्योंकि उनकी फिल्म का नाम है अभी मैं जवान हूं, लेकिन डॉक्टर रामप्रताप जी की निष्ठा इस कार्यालय में दिखती है। हमारे भजनलाल शर्मा जी प्रदेश के महामंत्री हैं, मेरे साथ आए हैं, और कोई धार्मिक काम हो, शुभ मांगलिक काम हो और बाबा जी नहीं आए तो अपना अधूरा रहता है। अपने को तो बाबा जी भी मुफ्त में मिल गए, बालकनाथ जी संयोग से आशीर्वाद देने के लिए आए। आपको अलवर रहना था पर बाबा जी ने एक टिकट में दो फिल्म देख ली, अलवर में भी कार्यालय बना लिया और हनुमानगढ़ में भी उपस्थिति दे दी। ऐसे तो बाबा बालकनाथ जी हमारे बीच में विशेष रूप से आए हैं। हमारे इस पूरे प्रदेश में जो कार्यालय बने हैं, और मैं जिनका नाम का उल्लेख नहीं करूंगा तो मैं खुद अपने साथ अन्याय करूंगा, प्रदेश के उपाध्यक्ष हमारी पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता और प्रदेश के उपाध्यक्ष आदरणीय अजयपाल सिंह जी, वो हमारे बीच में, उनके लिए आप जोरदार तालियां बजा रहे। पूरे राजस्थान में जमीनें खरीदने से लेकर उसके निर्माण तक की चिंता करना और खुद जाना, ऐसा अजयपाल सिंह जी ने किया। हमारे प्रदेश के कोषाध्यक्ष पंकज गुप्ता जी, पंकज गुप्ता जी हमारे सिखवाल जी, प्रदीप सिखवाल जी, दिनेश पोदार जी, विवेक गुप्ता जी, ये पूरी टीम जो पूरे राजस्थान में, रामकुमार भूतड़ा जी अभी नागौर में हैं, भूतड़ा जी कोषाध्यक्ष थे हमारे पंकज जी से पहले, भूतड़ा जी की और अजयपाल जी की जोड़ी ने ये कमाल विशेष रूप से किया है कि इस उम्र में भी बड़ा परिश्रम करके उन्होंने ये कार्यालय का निर्माण किया है। हमारे जिले के बहुत प्रमुख सारे लोग विराजे हुए हैं। मैं मंच के प्रति सबका सम्मान करता हूं और आप सब लोगों का इस बात के लिए अभिनंदन करूंगा कि तापमान लगातार सुबह 40 डिग्री से शुरू हुआ था और 50 डिग्री तक पहुंचने लगा। इस भीषण गर्मी में घर से निकलना, नहीं तो कर्फ्यू जैसा माहौल होता है गांव में शहर की गली में, उसमें कल माननीय नड्डा जी खुद कह रहे थे कि यहां तापमान कितना रहता है। मैंने कहा जी इस समय थर्मामीटर तो 48 डिग्री बता रहा है, तो आपने आप लोगों की तारीफ की कि 48 डिग्री में एकदम फौज की तरह सीमा पर जैसे तैनात होकर कोई सिपाही काम करता है, तो भीषण गर्मी में भी कोई पार्टी के लिए निष्ठा से खड़ा हो सकता है तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही खड़ा हो सकता है। इस भीषण गर्मी में आप लोग यहां आए हो अध्यक्ष जी को मान देने के लिए, पूरी टीम को मान देने के लिए, लेकिन आप सब लोग साक्षी बने हो एक सुंदर से कार्यालय के लिए। ये जुगल जी गॉड हैं और मैं जब महामंत्री था तब भी महामंत्री थे, आज भी महामंत्री हैं और आगे तो क्या बताऊं, ये मैं इनको कहता हूं स्थायी महामंत्री हैं, परमानेंट महामंत्री हैं, और पूरे टाइम इस कार्यालय की चिंता करना, पूरी सेवा समर्पण और इसकी देखभाल से लेकर सारा काम आप करते और करेंगे, ऐसे जुगल जी के लिए भी ताली बजा सकते हो आप लोग। मैं भारती बहन जी का नाम भूल गया, हमारी सांसद हैं भावनगर की गुजरात से और राजस्थान की सह प्रभारी हैं, और देखिए आप कैसा संयोग है कि उन्होंने कहा कि नहीं मैं खुद ऐसे सुदूर जिले के उत्तर क्षेत्र के जहां पार्टी का विस्तार और जल्दी से हो रहा है ऐसे कार्यालय का निर्माण को देखने जाऊंगी, तो भारती बहन जी के लिए आप तालियां बजा सकते हैं। मैं मेरे सामने पूरे राजस्थान के हर जिले के कार्यकर्ता मेरे समक्ष हैं, बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता विराजे और बड़ी संख्या में वहां भी इसी तरीके से कार्यालय का मांगलिक शुभारंभ हुआ है। मैं पूरे राजस्थान प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी परिवार के कार्यकर्ताओं को इस बात के लिए बधाई देता हूं
कि आज हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं कि राजस्थान में इतनी बड़ी संख्या में हम लोग कार्यालय का निर्माण कर पाए। और आगे जब अध्यक्ष जी का समय मिलेगा तो कोशिश करूंगा कि राजस्थान के 33 जिलों में भारतीय जनता पार्टी के सुंदर और सुसज्जित कार्यालयों का निर्माण हो जाए। आज तमाम जिलाध्यक्ष, जिला प्रभारी, पार्टी के हमारे सांसद, विधायक, और मैं देख रहा हूं कि हमारे बहुत ही वरिष्ठ आदरणीय गुलाब चंद कटारिया जी, जो पहले गृहमंत्री थे, नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने राजनीति में लंबा जीवन जिया है। और मुझे लगता है कि इस समय सबसे ज्यादा आनंद किसी को होगा तो आदरणीय गुलाब चंद कटारिया जी को होगा कि उनकी धरती पर उदयपुर में भी इसी तरीके का एक शानदार कार्यालय बन रहा है। ऐसे सब स्थानों पर हमारे गजेन्द्र सिंह शेखावत जी अजमेर में विराजे हुए हैं, कैलाश चौधरी जी नागौर में हैं, ये तमाम लोग जो अलग अलग जगह, अर्जुन मेघवाल जी बीकानेर में, तो पूरे राजस्थान के और बीकानेर संभाग के लोग तो खासतौर पर इस बात के लिए बधाई के पात्र हैं कि ये पहला डिवीजन है, पहला संभाग है जिसमें तीन कार्यालय पूरे हो गए और चौथे का आज शिलान्यास है। यानी एक संभाग के पूरे पूरे कार्यालय बन जाएंगे, ये पहला संभाग बीकानेर होगा जहां सारे कार्यालय बन जाएंगे। मैं आप सब लोगों को एक बार फिर से बधाई देते हुए और खासतौर पर मैं कृतज्ञता से आभार व्यक्त करता हूं हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जेपी नड्डा जी का कि इतने भीषण गर्मी में, इतने व्यस्त समय में से आपके गुजरात के, हिमाचल के चुनाव सर पर हैं और उसके बाद भी आपकी पार्टी में निरंतर 24 घंटे की आपकी सक्रियता और उसमें राजस्थान को आपका विशेष आशीर्वाद, क्योंकि आज आप पधारे, उससे पहले आप सवाई माधोपुर हमारे संभाग की बैठक में आए और राजस्थान की धरती को एक बार फिर से सौभाग्य मिलेगा कि जब 20 तारीख को पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक की मेजबानी करने का हमें जयपुर में मिलेगा। मैं आदरणीय अध्यक्ष जी को प्रणाम करता हूं और उनके प्रति विनम्र आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इतना अमूल्य समय राजस्थान के परिवार को दिया है। एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।